दोस्तों, लोकसभा या फिर विधानसभा के इलेक्शंस के टाइम आप लोगों ने नेताओं को अलग अलग तरीके से अपना प्रचार करते हुए देखा ही होगा। लेकिन क्या ये नेता पब्लिक का वोट पाने के लिए जो मनमर्जी में आए वो कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन के टाइम उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिन्हें हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता कहते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि अगर किसी भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता इस आदर्श आचार संहिता में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो हम आम लोग डायरेक्टली ECI को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके बाद ECI उन पर एक्शन लेता है। लेकिन उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ये आदर्श आचार संहिता है क्या। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में सेंटर के इलेक्शन हो या स्टेट के, सभी ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है, उस दिन से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट आने तक उस एरिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इस समय के दौरान ECI बहुत पावरफुल बॉडी बन जाती है। उस एरिया की सारी गवर्नमेंट मशीनरी उनके कंट्रोल में आ जाती है। वो वहां के किसी भी IAS या IPS ऑफिसर को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी के लिए डेप्यूट कर सकते हैं। ECI अगर किसी नेता को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स का उल्लंघन करते हुए पाता है तो वो उनके चुनाव प्रचार पर टेम्परेरी या फिर परमानेंट बैन लगा सकता है और वर्स्ट केस में उनका नॉमिनेशन भी कैंसिल कर सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले 1960 में केरला विधानसभा इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1962 में इसे लोकसभा के इलेक्शन में भी इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अलग अलग सेक्शंस हैं जिनमें अलग अलग चीजों के लिए गाइडलाइंस लिखी गई हैं, जैसे जनरल कंडक्ट यानी सामान्य आचरण, पब्लिक मीटिंग्स यानी जनसभा के लिए, प्रोसेशन यानी इन पार्टियों के जुलूस के टाइम, पार्टी इन पावर यानी सत्ताधारी पार्टी के लिए, एटसेट्रा। इसमें डिटेल में लिखा गया है कि इलेक्शन के टाइम क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कोई पॉलिटिकल पार्टी गैर वाजिब लाभ उठाने के लिए नहीं कर सकती। आइए अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। जनरल कंडक्ट यानी सामान्य आचरण। किसी भी पार्टी का नेता या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे समाज में अलग अलग धर्मों, समुदायों या फिर जातियों के बीच में मतभेद बढ़े या किसी भी टाइप की आपसी नफरत या तनाव पैदा हो। हम नेताओं के भाषणों में अक्सर उन्हें दूसरी पार्टी या उम्मीदवारों के बारे में आलोचना करते हुए सुनते हैं। इस आलोचना में वो उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड या फिर कामों के बारे में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी प्राइवेट लाइफ, जिसे जनता का कोई लेना देना नहीं है, उसको लेके अनर्गल बातें नहीं कर सकते। कोई भी नेता वोट हासिल करने के लिए जाति या धार्मिक भावनाओं से अपील नहीं कर सकते, यानी मंदिर हो या मस्जिद, चर्च हो या फिर गुरुद्वारा या फिर कोई और धार्मिक स्थल, इन्हें चुनाव प्रचार के लिए यूज नहीं किया जा सकता। सभी पार्टीज और निर्दलीय उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों से बचना होता है जो करप्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं, यानी भ्रष्ट आचरण की होती हैं, और इलेक्शन लॉ के तहत अपराध की कैटेगरी में आती हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए लोगों को रिश्वत देना या फिर उन्हें धमकाना। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में अपना प्रचार करना, या जिस टाइम चुनाव प्रचार करने की परमिशन नहीं है उस टाइम अपना प्रचार करना, या चुनाव वाले दिन वोटर्स को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए फैसिलिटीज देना, जैसे पोलिंग बूथ तक लाने ले जाने के लिए व्हीकल्स प्रोवाइड करना, एटसेट्रा। किसी भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता किसी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी पे बिना उसकी इजाजत के ना ही अपनी पार्टी का कोई बैनर लगा सकते, ना ही दीवारों पे कोई नोटिस चिपका सकते और ना ही कोई स्लोगन वगैरह लिख सकते और झंडा वगैरह फहरा सकते। सभी चाहते हैं कि जहां भी इलेक्शंस हों तो पीसफुली हों, तो सभी पार्टियों और उनके नेताओं को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी ऐसा काम ना करें जिसे दूसरी पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई सभाओं या जुलूसों में कोई बाधा उत्पन्न हो या फिर वो भंग हो। किसी एक पार्टी ने कोई पोस्टर या बैनर वगैरह लगाया है तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता उसे नहीं हटाएं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पब्लिक मीटिंग से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस की। सभी पार्टी के नेताओं को कोई भी बैठक या जनसभा वगैरह ऑर्गेनाइज करने से पहले उसके वेन्यू और टाइमिंग के बारे में वहां की लोकल पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ताकि वो उस एरिया में ट्रैफिक कंट्रोल करने और लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन रखने के लिए जरूरी अरेंजमेंट्स कर सकें। और अगर किसी एरिया में अपनी सभा ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ों की जरूरत है, जैसे लाउड स्पीकर्स, स्टेज, चेयर्स वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों के लिए पार्टी को कंसर्न अथॉरिटीज से इन एडवांस परमिशन या लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। अगर किसी पार्टी की सभा में कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स बाधा डालते हैं या अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की हेल्प ली जाती है। इनके खिलाफ पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स खुद अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेताओं के प्रोसेशंस यानी जुलूस से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस की। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार जिसे जुलूस निकालना है
तो उसके लिए उसके ऑर्गेनाइजर्स को जुलूस के शुरू होने की प्लेस, शुरू होने का टाइम, उसके रूट, ख़त्म होने की प्लेस और टाइम एटसेट्रा से जुड़ी सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करके पूरे कार्यक्रम की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ की लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को एडवांस में ही देनी पड़ती है ताकि पुलिस उसके लिए जरूरी अरेंजमेंट्स कर पाए। इसके साथ साथ रूट में आने वाले रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ के लिए जो परमिशन वगैरह चाहिए वो ऑर्गेनाइजर्स को इन एडवांस लेके रखनी पड़ती हैं ताकि जुलूस कहीं भी इन चीज़ों की वजह से ना रुके। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स को ध्यान रखना होता है कि वो ट्रैफिक को पूरी तरह ब्लॉक ना करें और रोड जंक्शंस वगैरह से इस तरीके से अपना जुलूस निकालें कि वहाँ हैवी ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट ना हो। अगर किसी रूट से दो या उससे ज़्यादा पार्टीज़ के नेताओं को एक ही दिन जुलूस निकालना है तो उनके ऑर्गेनाइजर्स के बीच में पहले से ही सारा कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए ताकि वो जुलूस क्लैश ना करें और ट्रैफिक में बाधा ना बने। ऐसे अरेंजमेंट्स बनाने के लिए वो लोकल पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। जिस भी पार्टी का जुलूस है उन्हें इस बात का सख्त ध्यान रखना होता है कि जुलूस में हिस्सा लेने वाली पार्टी के कार्यकर्ता या उसमें हिस्सा लेने वाले और लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जैसे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स या मेंबर्स का पुतला कैरी करना, ऐसे पुतले को पब्लिक प्लेस पे जलाना या फिर ऐसा ही कोई और प्रदर्शन ना करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उस टाइम जो पिछली पार्टी पावर में होती है उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ताकि वो पार्टी अपने पास ऑफिशियल पोजीशन होने की वजह से इलेक्शन कैंपेन में कोई अनफेयर एडवांटेज ना लें। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मिनिस्टर्स कोई भी नई स्कीम या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर सकते और ना ही गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट वगैरह के उद्घाटन वगैरह कर सकते और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से किसी नई सड़क, नाले या फिर किसी और ऐसे सुख सुविधा की घोषणा कर सकते। हालांकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आती। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम भी वो काम सिविल सर्वेंट्स की देखरेख में वैसे ही चलते रहते हैं। इस पीरियड के दौरान सत्ताधारी पार्टी गवर्नमेंट के ऑफिशियल मीडिया जैसे PIB, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो एटसेट्रा का मिसयूज नहीं कर सकती और ना ही न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट देने के लिए सरकारी खजाने का यूज़ कर सकती। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जैसे एयरक्राफ्ट्स, व्हीकल्स, मशीनरी एटसेट्रा का अपने प्रचार के लिए यूज़ नहीं कर सकती और ना ही रेस्ट हाउसेज, डाक बंगलोज या फिर किसी सरकारी आवास को अधिकार तरीके से इस्तेमाल कर सकती। ऐसे आवास निष्पक्ष रूप में सभी पार्टी के नेताओं को इस्तेमाल करने के लिए मिलने चाहिए। हालांकि कोई भी पार्टी इन्हें कैंपेन ऑफिस या पब्लिक मीटिंग प्लेस के तौर पर यूज़ नहीं कर सकती। इलेक्शन और इलेक्शन रिजल्ट काउंटिंग वाले दिन किसी भी मिनिस्टर को, फिर चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का, उसे पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। हालांकि वो इलेक्शन वाले दिन एज अ वोटर और इलेक्शन काउंटिंग वाले दिन एज अ कैंडिडेट वहां जा सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई जनसभा करनी हो या जुलूस निकालना हो तो उसके लिए एक टाइम लिमिट है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की। रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी पार्टी या उनके नेता ये पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर सकते। इन सभी निर्देशों के अलावा इलेक्शन पोलिंग डे यानी मतदान वाले दिन के लिए इन पार्टीज और उम्मीदवारों के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे इलेक्शन पोलिंग खत्म होने की टाइमिंग से 48 घंटे पहले के टाइम में कोई भी पार्टी जनसभा या जुलूस नहीं निकाल सकती और ना ही लोगों में अल्कोहल, पैसे या फिर कोई ऐसी ही चीज़ बांट सकती। इस दौरान अल्कोहल का यूसेज रोकने के लिए तो लिकर शॉप्स भी बंद रखी जाती हैं और ये 2 दिन ड्राई डे घोषित कर दिए जाते हैं। इस 48 आवर्स की डेडलाइन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज पोलिंग डे 14 फेब को है और मान लो वोट डालने की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की, तो 12 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद से ये 48 घंटे का टाइम पीरियड शुरू होगा और इलेक्शन के खत्म होने के साथ खत्म हो जाएगा। पोलिंग वाले दिन पॉलिटिकल पार्टीज या उम्मीदवार अपना कैंप लगा सकते हैं लेकिन उन्हें वहां अपना प्रचार करने के लिए किसी भी टाइप का पोस्टर, फ्लैग या सिंबल वगैरह डिस्प्ले करने की इजाज़त नहीं है और ना ही वहां कोई खाने पीने की चीज़ें रखना अलाउड है और उन्हें पोलिंग बूथ के आसपास भीड़ इकट्ठा करने से सख्त मनाही है। पोलिंग बूथ में वोटर्स और इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट किए गए स्टाफ के अलावा कोई नहीं जा सकता। अगर आप इंडिया के स्टेट्स में होने वाले विधानसभा के इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी विधानसभा एंड इट्स इलेक्शन प्रोसेस वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इलेक्शन में इतनी सारी पार्टीज और उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं तो ECI इन सभी पे अकेला तो नजर नहीं रख सकता, तो इसलिए वो कुछ ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है जिसके बारे में डिटेल में हमने इलेक्शन प्रोसेस वाली वीडियो में बात की है। दोस्तों, हमने ये इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जान तो लिया लेकिन क्या इन रूल्स को तोड़ने के जुर्म में किसी को जेल वगैरह भी हो सकती है? तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो। हालांकि कोई पर्सन ऐसा काम करे जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के साथ साथ ऐसा कोई अपराध करे जो एक पनिशेबल ऑफेंस हो तो उस केस में उसे सजा हो सकती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई स्टैचुरी लॉ नहीं है, यानी इसे पार्लियामेंट में पास करके लॉ नहीं बनाया गया है। इसे एनफोर्सेबल बनाने के ऊपर कई बार चर्चाएं हुई हैं
और ECI का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि इसे इन्फोर्सेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमें फॉल्स एलिगेशंस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्सेबल होने के बाद सभी केसेस फिर कोर्ट में जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट डिले हो सकता है। इसलिए ECI का मानना है कि इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं basicgyan.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे हमारी वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।